सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। और आज का जो आर्क ड्रैगन हंटर का एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जोड़े बंद होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आप लोग को आरपीसी आर्क मोबाइल माइनक्राफ्ट ट्रस्ट वगैरह के सर्वर बनाने, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग सर्वर बना सकते हो। सो जरूर से निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर लेना। तो चलो गाइस, आज का ये वाला जो एपिसोड है गाइस आर्क का, वो कर देते शुरू। और ड्रैगन हंटर में मतलब भाई हम लोग ने ना भाई कहां पे चली गई यार वो बॉस, वो जो गाइस लड़की हमारी डेविल, हाँ ये गिली रोड थी भाई, ठीक है। इससे जो ना गाइस हम लोग ने भाई डायरेक्टली गोल्डन ड्रैगन किंग जो कि गाइस यहाँ पे था स्कल के सामने, उसको तो मारा ही मारा। लेकिन पिछले एपिसोड में हम लोग ने ब्लू ऑब्लिक पे एक और गोल्डन ड्रैगन जो है ना गाइस उसको मारने का काम इस वाली एलियन क्रीचर से करता है। दिखने में तो एलियन की तरह ही लग रही है और इसके पास भाई कितने खतरनाक अटैक्स है ये तो आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे। सो ये जो गाइस एलियन क्रीचर है, इससे हम लोग ने भाई पिछले एपिसोड में काफी ज्यादा इजीली उस ड्रैगन को मारा था, इसलिए इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने बैन कर रखा है। मतलब हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे किसी भी बॉस फाइट में अनलेस हम लोग को एकदम एक्सट्रीम इसकी जरूरत हो। कोई भी अगर डायनो मार नहीं पाया किसी को और हमको जरूरत है तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वरना ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड बॉस है गाइस, ठीक है। तो आज देखो मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो पिछले एपिसोड में जो चीजें मिली थी, एक तो एबिस आर्टिफैक्ट, इसको एक का डबल कर लूँ। ये नई चीज है, पता नहीं ये किस चीज के काम आती है, क्या बनाने में काम आती है, नो आइडिया। और एक है गाइस एबिस सोल डिब्रीज, ये सोल डिब्रीज की मदद से मे भी हम लोग सोल जो है गाइस एबिस वाली वो बना सकते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं तो, लेकिन शायद ऐसे कुछ हो सकता है। तो अभी आज हम लोग क्या करने वाले बताए, आज के इस वाले वीडियो में मैं एबिस वाले कुछ खतरनाक से डायनो को टेम करने वाला हूँ। भाई बॉस फाइट और बॉस टेमिंग ना बहुत ज्यादा होगी, मैंने आपको कल ही बोला था कि आज से आपको डायनो टेमिंग जो है गाइस वो देखने को मिलेगी। सो भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज यार इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक वाले डायनो में से कौन से डायनो को टेम करा जाए। सो मैमद सारे के सारे एबिस डायनो डेजर्ट में फायदा हो, मैं आपको वन सेकेंड बता दूं। डोडोरेक्स, यार डोडोरेक्स को टेम करने का मन तो मेरा कर रहा है यार बहुत ज़्यादा। चलो गाइस 700 लेवल का जो हमारा एबिस वाला डोडोरेक्स है उसी को गाइस यहाँ पर टेम करके हम लोग लेके आ जाते हैं। हमारे पास ग्रिफिन तो शायद से होना चाहिए, टैब वाला है ना, ठीक है। हमें एक एबिस वाला ग्रिफिन जो है गाइस वो भी पकड़ने की कोशिश करूँगा अगर हाई लेवल का मैप पे स्पॉन हुआ है तो। मैं फटाफट से जा रहा हूँ अभी रेड ऑब्लिक पे, क्योंकि रेड ऑब्लिक से जो ना गाइस हमारी जो डोडोरेक्स की लोकेशन है वो काफी ज्यादा क्लोज पड़ जाएगी। और मैं इसको टेम क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो अगला जो एपिसोड है उसमें हम लोग लेने वाले कुछ खतरनाक सी बॉस फाइट। अरे यार मुझे वो ड्रैगन को भी तो टेम करना है जिसको हम लोग ने गाइस कल वाले एपिसोड में मारा था, गोल्डन ड्रैगन। देखते चलो उसको अगले एपिसोड में टेम करेंगे गाइस हम लोग। ऑलराइट, उसको अगले एपिसोड में टेम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं आराम से भाई 5000 मीटर दूर और जाना है। ये कौन है भाई, वाइब्रन है यहाँ पे तो। भाई 5000 मीटर दूर और जाना है यार उस डोडोरेक्स को टेम करने के लिए। लग रहा है गाइस एकदम ना डेजर्ट बायम के एज पे एकदम भाई एंड में भाई ये डोडोरेक जो है वो भाई स्पॉन हुआ है। रस्ते में देखता हूँ अगर कोई और खतरनाक या कूल सा डायनो दिखा तो उसको टेम जरूर करेंगे। ड्रैगन नहीं यार, ड्रैगन नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि गाइस हम लोग एबिस वाले सारे बॉसेज जो है वो गाइस एक बार टेम करें। मतलब अभी तो मैं एक डोडोरेक से टेम कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले एपिसोड में ना पहले तो मैं टेम करूंगा यहाँ पे अपना ड्रैगन, ब्रूड मदर। एक ही एपिसोड में हम लोग 2-3 बॉसेस ना एबिस वाले टेम करेंगे, ठीक है, आने वाले एपिसोड में। अभी फिलहाल के लिए तो एक डोडोरेक से टेम करता हूँ मैं देखना चाहता हूँ ये डोडोरेक्स कितना ज्यादा खतरनाक है। बाकी अभी तक की सबसे ज्यादा डैमेज देने वाली जो क्रीचर है जो 163 मिलियन डैमेज दे रही है वो गाइस क्रीचर है हमारी वो गिली रोटी भाई बॉस, जो अभी आपको मैंने दिखाया जिसको हम लोग ने अभी अभी बैन करा वो वाली बॉस भाई। उसने एबिस वाले बॉसेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि वो खुद भाई एबिस टायर से लो टायर वाली बॉस है, तो अंदाजा लगा ही सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही चुके हैं डोडोरेक्स के पास, और जब तक हम लोग वहां पे पहुंच रहे तब तक हमारे दो और चैनल है
आर गेमिंग और गेमिंग विद एनी, दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। दोनों चैनल पे अलग अलग वीडियो जो है ना गाइस आती रहती है, और दिसंबर से डेली 5-6 वीडियो हर एक चैनल पे आने वाली है। सो जरूर चेक कर लेना गाइस उन दोनों चैनल्स को भी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो गेमिंग विद एनी और आर गेमिंग। ये हमारा डोडो रेक्स बराबर 34 मिलियन, भाई एक फटके में नॉकआउट यार। भाई ये ब्रूड मदर कुछ ज्यादा ही वहां पे दबाई मचा रही है, 100 लेवल ही है लेकिन। ये ले बेटा एक गोली में नॉकआउट, भाई एक गोली में सीधा नॉकआउट, इजी पीजी। इस डोडो रेक्स की पावर तो मैं यहाँ पे ही चेक करूंगा। ओके गाइस इसको यहीं पे हम लोग जो है ना, रुको पहले तो इसको मैं एबिस खिला दूं यहाँ पे। ये रहा हमारा एबिस, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड इसको जो है गाइस टेम फूड जो है, टेमिंग फूड है वो भी डाल देना है। चलो जा भाई टेम, लेट्स गो। इजी पीजी 1000 लेवल का डोडो रेक्स हम लोग ने टेम कर लिया है। फर्स्ट तो मैं इसकी लोकेशन जो है गाइस वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बराबर। ठीक है चलो आ जाओ अभी गाइस। ये हमारा भाई यार, इसकी पैरों का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड आ रहा है। अरे गेम का आवाज़, ओ म्यूजिक कम कर रखी थी मैंने। ठीक है मैंने कर दिया वापस से म्यूजिक यहाँ पे शुरू। चलो लेट्स गो। सो ये रहा गाइस हमारा एबिस वाला डोडो रेक्स। दिखने में तो नॉर्मल डोडो रेक्स की तरह है, बस इसका जो कलर है वो यहाँ पे आपको दूसरा थोड़ा सा अलग सा दिखाई देगा, जो कि पर्पल ब्लू ब्लू बोल सकते हो आप, या थोड़ा सा भाई पर्पल नहीं है, एक्चुअली ब्लू ही है भाई। ठीक है छोड़ो, तो अभी इसके अटैक्स देखते हैं। इसके पास बाइट अटैक है, लिप क्लिक पे, ओके फायर अटैक है नॉर्मल, सी पे, ओके। भाई ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है हमारे इस डोडो रेक्स का। भाई अपने मुंह से डार्क एनर्जी बॉल्स, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों भी नहीं लगभग 20 या 30 डार्क एनर्जी बॉल एक साथ अपने मुंह से छोड़ रहा है। ये काफी पावरफुल अटैक इस डोडो रेक्स का हो सकता है, जो कि एक्स पे नहीं सी पे, जेड पे कंट्रोल क्यू आर। यार अटैक्स इस बार जो है ना गाइज ज्यादा दिए नहीं गए इन डायनोस को, बताएं पहले इनके पास क्या ओपी ओपी वाले अटैक्स होते थे। अभी भाई बस एक या दो ही अटैक देखने को मिलते हैं, जैसे इसके पास बाइट अटैक, फायर अटैक, और ये भाई डार्क एनर्जी बॉल जो है छोड़ने वाला अटैक यही है भाई। 2 मिलियन डामे भाई गाइज, मुझे लग रहा है ये भी काफी तगड़ा डैमेज डील करने वाला है। 100 मिलियन या 1 बिलियन, मेरे हिसाब से 1 बिलियन हेल्थ मैंने इसकी कर दिया भाई, लेट्स गो। 1 बिलियन तो इजी पीजी है यार, 1 बिलियन तो हम लोग खड़े खड़े इसकी हेल्थ कर दें। मैं 2 बिलियन कर देता हूँ, रुको गाइस मैं इसकी भाई 2 बिलियन करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसके अंदर डायरेक्टली इम्प्रिंटिंग पोशन डालता हूँ, जिससे इसकी 2 बिलियन हेल्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगी और बचे हुए पॉइंट इसके मिली डैमेज में हम लोग डाल पाएंगे। सो इसके 2.1 बिलियन जो है गाइस हेल्थ हम लोग ने इस वाले डोडो रेक्स की कर दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2.1 बिलियन 1125 लेवल के डोडो रेक्स के, बट ये अभी तक मैक्स लेवल नहीं हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो हम लोग मैक्स लेवल करते हैं, तो मैं ऊपर लेके जाता हूँ ये ब्रूड भाई। हेलो वो ये क्या है भाई, स्पाइडरमैन सुनाता भाई, लेकिन आज देख लिया आर्क में स्पाइडरमैन, अपने देखा ये कहां पे चल रही थी, अपने भी देखा ना गाइस ये हवा पे ही तो चल रही थी स्पाइडरमैन की तरह। लग रहा भाई स्पाइडरमैन की आत्मा आ गई यार इस ब्रूड मदर के अंदर। क्या रे भाई यार चोरी भाई, व्हाट द है गाइस, भाई गाइस सारे रिकॉर्ड टूट गए भाई। 163 मिलियन डैमेज उस पापा की परी ने यार, गिली रोटी जो बॉस थी जिसको हमने बैन करा उसका जा रहा था। ठीक है इसका डैमेज आपने देखा कितना जा रहा है भाई, 203 मिलियन जा रहा है। मुझे इसको मैक्स लेवल करने दो भाई, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई इसने तो, मुझे लगा नहीं था उस बॉस का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। अबे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, 208 मिलियन, अबे मजाक हो रहा है क्या, मजाक हो रहा है क्या भाई यहाँ पे 208 मिलियन। भाई रुको मुझे क्राइव करने तो, मुझे भाई विश्वास नहीं हो रहा है। अबे सोल ट्रैप खत्म है मेरे, रुक जाओ घर पे जाके भाई सोल ट्रैप बना के लेके आता हूँ भाई। सच में इतना ज्यादा डैमेज, मुझे लगा नहीं था गाइस कि अभी वाले भाई डायनो जो है ना भाई हमारे उस बॉस का भाई रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। मैं तो उसको बैन कर रहा था सोच के कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो गई है, बट मुझे ये नहीं पता था कि हमारे एपिस वाले डायनो जो है वो उससे भी भाई एक कदम आगे है। वाह भाई वाह, इसको मैं भाई वापस से लेके जा रहा हूँ वही पे। ठीक है डेजर्ट वाले वाइब में लेके जा रहा हूँ गाइस वापस से इसको,
भाई वहीं पे तो गाइस इससे बॉस भाई मतलब भिड़ाएंगे थोड़े से बॉसेस वगैरह को। आ जाओ, मैक्स लेवल कर दिए मैंने इसकी। भाई इसकी हेल्थ वापस से देख लेना, इसकी हेल्थ है 2.1 बिलियन। ऑल राइट, एंड बाइट अटैक 81 मिलियन। नॉर्मल है बाइट अटैक, ठीक है। लेफ्ट क्लिक फायर अटैक 81 मिलियन। वेट अ मिनट, वाला अटैक 70। अबे कुछ तो गड़बड़ है दया। अबे व्हाट द भाई, चीटिंग करता है लोग। रुको, मैंने इसको क्रायो करा इसलिए ये हुआ क्या? मैंने इसको क्रायो करके वापस, अच्छा मैंने इसको क्रायो करा ही नहीं पहली बात तो। भाई ये कैरोलिन बॉस हमारे सामने आया था भाई, इसको एक फटके में मार दिया, बात करते करते मर गया भाई बेचारे की साइड लाइफ। उसको तो बिल्कुल भी भाव नहीं दिया हम लोग ने, वो तो भाई बात करते करते मर गया। छोड़ो वो सारी चीज़ें भाई, इसका 203 मिलियन डैमेज तो जा रहा था मेरे आंखों के सामने। भाई चीटिंग कर रहे भाई, नहीं कुछ तो गड़बड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ेगा भाई। सामने ब्रूड मदरवा है, मैं उसके ऊपर मेरा फायर अटैक चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अबे भाई, अबे इसके अंदर ये स्पाइडरमैन वाली भाई आत्मा कहाँ से, एबिलिटी कहाँ से आ जाती है? सीधा भाई आसमान में हवा पे चल रही है भाई। ब्रूड मदर को टेम करना बनता, मैं भी हवा में चलूंगा भाई इसे, मुझे भी चलना है गाइस स्पाइडरमैन की तरह हवा में। स्पाइडरमैन हवा में नहीं चलता, उड़ता है, लेकिन ये हवा में चल रही है भाई स्पाइडरमैन। हमारी ब्रूड मदर 200 यार, 80 200 का दिया है मेरे को लग रहा है, दिया है क्या यार भाई? कैसे यार 203 मिलियन डैमेज तो था। अबे मुझे ऐसा डायनो ढूंढना है जिसकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा हो। ओके, मे बी उसके ऊपर 203 मिलियन का डैमेज पड़े। ऐसा डाइनो कहाँ मिलेगा गाइस? यार ये तो 80 मिलियन ही जा रहा है, कुछ तो गड़बड़े। इसने भाई 203 मिलियन का डैमेज दिया था। हमारी गिली रोटी जो है गाइस वो नंबर वन पे स्टिल लग रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूस भाई कभी भी करो अटैक उससे वो 163 मिलियन डैमेज देती है। बट ये डोडोरेक्स का भाई कुछ अलग ही सीन लग रहा है मेरे को। अगर डैमेज की बात करें तो इसका डैमेज उस गिली रोटी बॉस से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि इसके एक फायर में भाई लगभग 2-3 सेकेंड तक 83 मिलियन डैमेज पड़ता रहेगा कंटिन्यूस। तो अब खुद ही कैलकुलेट कर लो वो डैमेज कितने तक जाता है, ठीक है, बिलियन क्रॉस कर देगा। बट वही सीन है कि ये एक बारी में सबसे ज़्यादा डैमेज डील नहीं कर पा रहा है अभी। इसने भाई 203 मिलियन का डैमेज दो बार यहाँ पे डील करा था, बट अभी क्या हो गया यार डोडोरेक्स? क्या कर रहा है भाई तू? बॉस से भिड़ाओ किसी। नहीं मैंने बॉस से भी भिड़ाया लेकिन वहाँ पे भी तो नहीं दिया इसने डैमेज। मैंने कैरोलिन बॉस से इसको भिड़ाया था अभी थोड़े टाइम पहले, बट वहाँ पे भी खास कुछ डैमेज इसने दिया नहीं। रुको अबे यार, नहीं गाइस रुको, मुझे कोई पावरफुल डायनो या बड़ा डायनो चाहिए होगा, उसी के ऊपर इसका डैमेज जाएगा। मैं जाता हूँ गाइस यहाँ पे फटाफट से। रुको, इसको देना भाई, तो एक पटके का भाई निकल। गाइस रुकना, मैं जा रहा हूँ भाई डेजर्ट वाले भाई में, वहां पे एबिस डायनो के ऊपर डैमेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। रुको भाई, यहाँ पे एक एबिस वाइब्रन है, इसके ऊपर मेरे गोलो का अटैक टेस्ट कर लूँ यार। नहीं रहने दो, ये तो गाइस गोल गोल घूम रहा है तो इसके ऊपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम थोड़ा और अंदर जा रहे डेजर्ट के, वहाँ पे चेक करते हैं कोई हम लोग को डायनो दिखा तो उसके ऊपर डैमेज टेस्ट करेंगे हम। ओए चलो, एबिस वाला किंग काइजू, ठीक है, 203 मिलियन का डैमेज देना चाहिए भाई ये डोडोरेक्स इसको। 203 मिलियन मेरे को पता नहीं भाई, भाई क्या ये यार डोडोरेक्स क्या कर रहा भाई? तूने अभी तो दिया था यार 203 मिलियन डैमेज, अभी दिया था भाई, बट वापस से दे ही नहीं रहा भाई। गिली रोटी सबसे पावरफुल है अभी तक, ठीक है। डोडोरेक्स में थोड़ा चोमगिरी कर रहा है अभी, काई चोमगिरी कर रहा भाई, काई चोमगिरी कर रहा है। ये ले इम्प्रिंट, अभी देखो, अभी देखो ये कौन है, रिपर है ना, और रिपर की बच्ची चलना। अरे भाई
अरे भाई फ्रीज करके रख दिया, टॉर्पोर दे रहा अलग से। अबे भाई साहब, अरे बस कर भाई, फ्रीज कर रखा है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ 81 मिलियन, क्या चल रहा है भाई। 60 नहीं दे रहा है गाइस, ये गद्दारी को रुपये डोडो रेक्स भाई। इसको देखो गाइस, फ्रीजिंग वाला इफेक्ट पड़ा है उस रीजन से, कैसे गाइस यहाँ पे आधा बर्फ का बन गया ये। रुको गाइस, मैं किसी बड़े डायनो को 1 सेकंड देखता हूँ। हाँ भाई गोरिला, भाई गोरिले भाई 248 मिलियन डैमेज भाई आपके सामने इसने दिया है भाई, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुझे लग रहा है गाइस कि जिसकी हेल्थ ज़्यादा होती है, 70-80 मिलियन से ज़्यादा जिसकी हेल्थ होती है, उसी के ऊपर शायद से ये अपना 200 मिलियन डैमेज डील कर पाता है। या फिर ओनली ये बॉसेस के ऊपर ही नहीं, रेक्स के ऊपर भी दिया था वैसे इसने डैमेज, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। देखो अभी ये वापस से नहीं देगा डैमेज भाई, वो केकड़े के ऊपर ट्राई करते हैं, केकड़े के ऊपर ट्राई करते नहीं, जिसकी हेल्थ गाइस काफी ज्यादा है ना, उसी के ऊपर इसका 200 मिलियन का डैमेज जा रहा है। जिसकी हेल्थ गाइस एकदम लो है, लो मतलब इसके लिए लो है, 30-40 मिलियन इसके लिए लो हेल्थ है, सो उनके ऊपर जो है ना गाइस ये 200 मिलियन का डैमेज डील नहीं कर रहा। जिसकी हेल्थ एकदम भाई 70-80 मिलियन से ज्यादा है, उसी के ऊपर इसका 200 मिलियन वाला जो डैमेज है गाइस वो यहाँ पे पड़ रहा है। मतलब एक मिनट रुक जाओ, अगर हम घर से एक बॉस बना के लेके आए तो क्या उस बॉस के ऊपर इसका 200 मिलियन वाला डैमेज जो है गाइस वो पड़ेगा? चलो अभी चेक करते भाई, अभी चेक करते इसका जो गाइस 200 मिलियन का डैमेज है वो बॉस के ऊपर पड़ता है कि नहीं। भाई टैबू वाले बॉस भाई, उसको बुला ले, इसको भाई, ये स्केलेटन वहाँ को बुलाता हूँ मैं। सोल कलेक्टर लिखना था शायद से, कलेक्शन लिख दिया है गाइस इन लोगों ने, सोल कलेक्शन बना दिया है बेचारे को। बॉस का नाम भी भाई क्या ही बोले, अजीब ही रखा है भाई, इसको जला के रखने दो यहाँ पे। अब हटो रे, आवाज दो भाई, चलिए ठीक है भाई, बॉस को यहाँ पे बुला रहा हूँ। और मेरा डैमेज 200 मिलियन का अगर इसके ऊपर पड़ा तो समझ लेना है गाइस की जिसके हाई हेल्थ है उसी के ऊपर भाई 200 मिलियन वाला डैमेज वर्क करता है, ठीक है। नहीं पड़ा, मर तो गया एक फटके में, एक फटका भी नहीं, एक सेकंड में मर गया ये 800 मिलियन वाला बॉस, क्योंकि मेरी पावर काफी ज्यादा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अचानक से कभी कभार भाई 200 मिलियन का डैमेज दे रहा है। इसका लगभग 248 मिलियन मतलब 250 मिलियन का डैमेज भाई पड़ा है उस गोरिला के ऊपर। कभी कभार अचानक से 10 मिनट में 3 बार दिया इसने डैमेज बस खाली उतना। तो इसको हम लोग सबसे पावरफुल डायनो गाइस डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पावरफुल अभी तक हमारी वो गिल्ली रोटी बॉस है, क्योंकि वो कंटिन्यूस कभी भी भाई उससे अटैक कर लो वो 134 या 163 मिलियन का डैमेज देती है। सो वो अभी तक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। डोडोरेक्स सॉरी, तू पावरफुल नहीं है, क्योंकि तू भाई कंटिन्यूस डैमेज ना दे रहा है भाई। एक बारी में जो सबसे ज़्यादा डैमेज देगा वही गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये डोडोरेक्स का तो 10 मिनट में बस 3 बार 200 प्लस मिलियन डैमेज गया है। और ना डोडोरेक्स भाई इसका अटैक है वैसे, इसके अटैक से मैंने 800 मिलियन वाले हेल्थ वाले बॉस को एक सेकेंड के कम टाइम में जो है ना गाइस मारा है यहाँ पे। सब लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये भाई डोडोरेक्स कितना पावरफुल है। बट डैमेज की बात करें तो यहाँ पे गिली रोटी स्टिल हमारी जो है ना गाइस नंबर 1 पे। चलो कोई ना, आप बताइए गाइस आपको हमारा एबिस वाले डोडोरेक्स कैसे लगा। और गाइस जो मैंने आपको स्पाइडरमैन दिखाई ना, हवा में ऐसी चल रही थी वो स्पाइडरमैन ब्रूड मदर, उसको हम लोग को टेम करना चाहिए कि नहीं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। रुको आपको मैं डोडोरेक्स की पावर 1 सेकंड दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे घर पे जाने दो और घर से मैं ओल्ड वाले टोटल 1, 2, 3 बॉसेस बना के लेके आता हूँ और उन तीनों को मैं एक साथ स्पॉन करूंगा। और उन तीनों बॉसेस को एक साथ स्पॉन करने के बाद ओनली एक अटैक से, ठीक है गाइस, ओनली एक अटैक से मारूंगा। जलवा इधर भाई का, बस देखना अभी, देखना गाइस जलवा, देखना जलवा। ये तीन बॉसेस मैंने ले लिए, ओल्ड वाले ही हैं, ओल्ड नहीं सॉरी टैबू वेरिएंट है। और इन टैबू वेरिएंट वाले बॉसेस की अभी हम लोग बैंड बजाने वाले हमारे डोडोरेक्स से।
ऑल राइट, आर यू गाइज रेडी? चलो आ जाओ वापस से चलते हैं। और एक सेकेंड के अंदर, ठीक है, ये उनकी बैंड बजाएगा, एक सेकेंड के अंदर, बस देखना यार। अरे हटो रे, आवान दो आवा भाई, होने रे, ठीक है। फायर अटैक से मारूंगा। मैं तीनों को एक साथ बुला रहा हूँ। अबे भाई गलत, चलो चार हो गए बॉसेस, हाँ भाई, आंदो, सब आ जाओ, सब आओ, ठीक है। ओनली एक फायर अटैक और तीनों का गेम ओवर। कोई इसलो था पीछे, भाई ये पीछे छुप के बैठा इसलिए बच गया भाई, ये वो पीछे छुप के बैठा था इसलिए बच गया, बाकी खत्म, ये बची है। अच्छा ये मेरे नीचे भाई छुप के बैठी थी इसलिए बच गई, एक फायर अटैक में तो नहीं मार पाया, क्योंकि गाइस ये वाला बॉस पीछे छुपा था, एक बॉस छूटी थी तो मेरे पैरों के नीचे छुपी हुई थी, सो इसलिए गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन भाई लगभग 4-5 सेकंड में तो मैंने मार ही दिया इन लोग को। और भाई सबसे मेन चीज़ ये है कि मैंने एक फायर अटैक में 800 मिलियन वाले बॉस को मारा है, ठीक है, हमारे डोडोरेक्स के एक फायर अटैक में 800 मिलियन वाले बॉस को मारा है। चलो और गाइस चलो अभी आप मुझे ये बताना कि डोडोरेक ज़्यादा पावरफुल है या हमारे वो गिली रोटी बॉस, आपको कौन सबसे ज्यादा ओपी लगा कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ गाइस, रिप्लाई काफी कम कमेंट का करता हूँ, और आप लोग जो 10/10 रेटिंग दिए जा रहे हो ना हमारे सारे डायनोस को, वो देख के दिल को सुकून और खुशी भी मिल रही है। सो इस डोडोरेक्स को भी रेटिंग देना 1 से लेकर 10 तक, 1 मतलब घटिया, 10 मतलब एकदम ओपी, और वो जो गिली रोटी बॉस है वो और हमारा डोडोरेक्स, इसमें से सबसे पावरफुल आपको कौन लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज का ये वाला एपिसोड आर्क ड्रैगन हंटर का हो जाता है यहीं पे खत्म, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में आर्क ड्रैगन हंटर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.